थिएटर्स आज अक्रॉस इंडिया खुल रहे हैं, कुछ राज्यों को छोड़कर जहां पे सिचुएशन गंभीर है, स्पेशली मुंबई महाराष्ट्र में थिएटर्स नहीं खुल रहे, लेकिन बहुत ज्यादा जगह खुल रहे, दिल्ली में भी खुल रहे हैं और साउथ इंडिया में भी कई जगह खुल रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में कई जगह खुल रहे हैं। तो थिएटर्स आज से खुल रहे हैं और मुझे अच्छे से याद है 12 मार्च को थिएटर्स बंद हुए थे। 12 मार्च से लेकर अक्टूबर 15 एक ऐसा वक्त जहां पर सभी लोगों ने इस धरती पर ही नर्क देखा, हम लोगों ने भी देखा, सब लोगों ने देखा कोरोना वायरस की वजह से, और सिनेमा हॉल्स के मालिकों तक ने देखा, जो समोसे 150-200 में बेचते थे ना, दो पीस समोसे, तो उन्होंने भी देख लिया कि भैया सबसे बड़ा है ऊपर अल्लाह खुदा, वो किसकी सिचुएशन कैसे लाएगा नहीं पता। इसमें सिनेमा बंद होने से सबसे ज्यादा मल्टीप्लेक्सेस की लगी है, इसके अलावा सिंगल स्क्रीन की उससे भी ज्यादा लगी है, कई सारे सिंगल स्क्रीन इसके बाद अब मुझे नहीं लगता खुल पाएंगे क्योंकि कई सारे सिंगल स्क्रीन ऑलरेडी लॉस में पहले से ही चल रहे थे और इस साल एक ही बड़ी फिल्म तानाजी है, उसके बाद से कोई फिल्म भी नहीं आई है, तो मान के चलो कि जो लॉस है वो बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा विकट है। अभी जो री रिलीज में जो फिल्में आएंगी जैसे तानाजी, शुभ मंगल ज्यादा, सावधान, सेक्शन 377 और ऐसे कई सारी फिल्में रिलीज करने की पूरी वॉर कहा जा रहा है, इस फिल्म में री रिलीज भी होंगी। आई एम अगेन टेलिंग यू, ये दीज आर ओल्ड फिल्म्स विच आर री रिलीजिंग, इवन केदारनाथ। लेकिन क्या लगता है ऑडियंस जाएगी? मेरा ऐसा मानना है ऑडियंस ने थिएटर का जो शक्ल है 7 महीने से नहीं देखा, सो ऑडियंस जरूर जाएगी। मैं मानता हूं बिजनेस थिएटर में वैसा नहीं होगा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो जिनकी नौकरी है या जो थिएटर के भरोसे पे जिनका काम थिएटर इंडस्ट्री में चलता है, जो क्लीनर हो, जो छोटे छोटे लोग हो काम करते हैं ना, जो मालिक हो, उन सबकी रोजी रोटी तो थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाएगी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट ना फिलहाल दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ खुद कि आप लोग अगर पॉसिबल हो तो थिएटर्स में जाके पैसे देकर फिल्में देखिए, और ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है, और इससे कैसा है ना, उन बहुत ही मजबूर जो लोग हैं बेचारे लोग, मैं खुद देख चुका हूँ सामने से, इतना अच्छी जिंदगी नहीं होती है दोस्त मेरे, हर गरीब इंसान की हालत जैसी होती है वैसे ही है ना सबकी, हमें सोचना चाहिए। सो आई वॉन्ट थिएटर्स विच हैज बीन रीओपन्ड, पीपल शुड टेक देयर टाइम एंड ट्राई टू वॉच इफ दे हैव मनी, थोड़ा बहुत जाके थिएटर्स में फिल्म देखो, वो भी वो फिल्म है जो आपने शायद देखी नहीं है, इनमें से मैं रिकमेंड करूंगा, तानाजी नहीं देखी तो प्लीज देखिए, सेक्शन 377 बहुत अच्छी फिल्म, वो देखिए, एंड आई थिंक जो फिल्में वापस लग रही है वो बहुत अच्छी अच्छी है, जो एन वॉच इट, आपको बुरा नहीं लगेगा। सो कुल मिला के बहुत बड़ी खबर है और वापस से कहूंगा सिनेमा हियर वी आर वापस से खुल गया है, अब दिल भी खोलिए अपना, जाके फिल्म देखिए, वैसे भी थिएटर में फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है।